नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज नोएडा के सेक्टर 8 में स्थित फैंसी इमेजेस में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, साथ ही मल्टी विटामिन्स, प्रोटीन आदि सप्लीमेंट्स भी फ्री में मुहैया कराए गए। इस कैंप को डॉक्टर रजनी सरीन की देखरेख में चलाया गया, जहां भारी मात्रा में लोग इस मुफ्त कैंप का लाभ उठा रहे हैं। और यहां पर डॉक्टर रजनी सरीन से बातचीत भी की गई, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। ये एक बड़ी सोच के साथ हो रहा है कि जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, माइक्रो डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी, मेंटल पीस नहीं होगी, काम करते समय वर्क एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये सोच के ये कैंप किया गया है। यहाँ पर ESI करती है, अगर कोई बीमार होता है तो वहाँ जा सकता है, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी है, जैसे मल्टी विटामिन्स है, कैल्शियम है, आयरन है, जो आम तौर से लेडीज़ में भी होता है बहुत ज़्यादा, उसको ध्यान नहीं देते हैं इलाज करते समय, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आईसाइट वीक हो रही है तो ये लोग साधारणतः ध्यान नहीं देते जब तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। तो ये कैंप इसकी फिटनेस के लिए लगाया गया है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। यहाँ पर लोगों को चश्मे भी दिए गए हैं, रीडिंग क्लासेस भी दिए गए हैं और मल्टी विटामिन्स दिए हैं, लेडीज़ को आयरन भी दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आयरन लॉस होता है, प्रोटीन दिया है और विटामिन्स, जिसको लगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट लग रहा है, कुछ डेफिशिएंसी है, उसको विटामिन सी, डिंक, जिंक और विटामिन डी भी दिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह सैनिटाइज करवाया गया पूरा का पूरा, जितनी जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फैक्ट्री वैसे भी करवाई जाती है 2 बार, कल शाम को और आज सुबह। इसके अलावा सबके पास ग्लव्स, सबके पास मास्क और डिस्टेंस रख के। ये जॉइंट एफर्ट होता है, जैसे मैंने फैक्ट्री के मालिक से बात की, मेरे छोटे भाई समान है, उनको बात समझ में आई, फिर हम लोगों ने सोचा कब करते हैं, अभी 4 दिन पहले बात हुई, अगले हफ्ते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जल्दी करेंगे, ठीक है संडे को रख लेते हैं। अब जैसे डॉक्टर आशा हैं, उनको मैंने बात की, हमारे हम लोग से एक ही जिले से हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा डेंटल चेकअप भी होना चाहिए, मैंने जवाब दिया हाँ डेंटल चेकअप तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से करके लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। थैंक यू मैम। हमें पता चला कि मतलब हमारे जो सर हैं, मनीष सर मैनेजर हैं, तो बताएं हमें कि मतलब कल जो है कंपनी में आ रहे हैं डॉक्टर वॉक्टर, जो भी किसी को प्रॉब्लम होगा सब कुछ अपना दिखा लेना। तो मैंने बताया जी, मैंने बोला ठीक है सर दिखा लेंगे, तो आ गए हैं दिखाने। तो आप बेसिकली किस चीज़ के लिए आए हैं, किस चीज़ के चेकअप लिए? ब्लड टेस्ट करवाया मैंने। अच्छा, तो आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, फैसिलिटी भी अच्छी है, सब लोग बाग भी अच्छे हैं सब लोग। तो कोरोना काल में इस तरह के कैंप लगाया जाना वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। इससे जो लोग तमाम बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो जाकर मुफ्त में कंसल्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वहां पर उन्हें कई तरह की चीज़ें बताई जाएंगी जो वो अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ और इंडिया के साथ।